नवरात्र का मतलब क्या होता है? केवल नौ दिन तक देवी की आराधना कर लो, नंगे पैर ले लो, थोड़ा सा साबूदाना का फरियाल कर लो, मोरधन चिप्स पापड़ ये खा लो, या किसी देवी जी के मंदिर में जाकर नंगे पैर झंडा उठा के, ध्वजा उठा के, चुंदड़ी पकड़ के माता जी के मंदिर तक चले जाओ, क्या केवल नवरात्र का मतलब यही है? या फिर कहीं गरबा हो रहा हो तो गरबे में चले जाओ, क्या नवरात्रि का मतलब केवल यही है? या घर में जोत लगा लो, नवरात्रि का मतलब यही है? घर में जवारे बो दो, नवरात्रि का मतलब क्या यही है? घट स्थापना कर दो, क्या नवरात्रि का मतलब केवल यही है? अगर नवरात्रि का मतलब जानना है तो आपके मन में एक विचार आना चाहिए कि ये नवरात्रि केवल घट स्थापना के लिए नहीं होती है, ये नवरात्रि हमारे भीतर एक नारी के सम्मान के लिए प्रकट होती है कि नारी का सम्मान कैसे होना चाहिए। एक नारी का आदर क्या होता है? एक नारी का सम्मान क्या होता है? एक नारी के विचार, उसकी सोच, उसकी दृष्टि क्या होती है? पिता और माता युग के निर्माता हैं, ये चार, उसमें माता पिता गुरु और राजा। जो क्षेत्र का राजा होता है, नगर का राजा होता है, वो भी युग का निर्माता होता है कि वो अपने राज्य को धारण कर कर किस किस तरह से व्यवहार कर रहा। माता अपने बच्चे को क्या सिखा रहा, क्या सीखा? आप में से कितनी माताएं जिनके बच्चे रोज प्रणाम करते हैं, चरण छूते, जरा हाथ उठाओ तो, देखा देखी में मत उठा देना जी जी हो, क्योंकि देखा देखी में तो काम बिगड़ जाता है, रख लो रख लो, देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। कक्षा आठवीं का पेपर था, बच्चे एक के पीछे एक बैठे थे, लिखने के लिए प्रश्न आ गया कि दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है। उसके पीछे जो बैठा था उसने आगे वाले की कॉपी में से नकल कर कर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है।